फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज ना मैं ये जो अचार वाली मिर्ची रहती है ना, उसकी सब्जी बना रही हूँ। इसके लिए यहाँ पर मैंने ना अंदर से जो मिर्ची है उसको, जो बीज वगैरह होते हैं उसको निकाल करके क्लीन कर लिया और उसको ऐसे में कट कर लिया था। साथ ही मैं यहाँ पर मैंने प्याज और लहसुन है उसे भी बारीक बारीक चॉप कर लिया था। अभी मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने पैन लिया है। पैन में मैंने 2 टेबल स्पून सरसों का तेल है वो ऐड किया है। आप लोग चाहो तो घी भी ऐड कर सकते हो। अभी मैं इसमें थोड़ी सी हींग ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टेबल स्पून जीरा। अभी हम लोग जीरा है उसको अच्छे से चटक जाने देते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर जीरा है वो चटक चुका है। तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 अनियन। मैंने 1 प्याज है उसे बारीक कट कर लिया था, उसको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अभी हम लोग इसको अच्छे से भूनेंगे और बस हमें इसे थोड़ा सा गोल्डन होने तक ही इसे हमें रोस्ट करना है। फिर एक बार ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी फिर मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन। तो यहाँ पर मैंने 7-8 लहसुन की कली ली थी, उसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। अभी ये भी अच्छे से फ्राई हो जाएगी थोड़ी देर बाद। फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे जो मिर्ची है कट करके रखी थी वो ऐड करिए। तो गाइस, अचार डाल रहे थे हम लोग मिर्ची का, तो 7-8 मिर्ची थी ना वो मैंने बचा ली थी सब्जी बनाने के लिए, तो वही मैंने इसमें यूज़ करी है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट। ज़्यादा सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे अभी हम लोग, बस थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे जिससे ये थोड़ा पक जाए। तो गाइस, साइड में मैंने रखा हुआ है पैन को लो फ्लेम पर, वहाँ पर मिर्ची पक रही है। तो यहाँ पर मैंने लिया था 1 कप के करीब दही, इसमें ऐड कर दिया था धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च और कसूरी मेथी। और साथ में कसूरी मेथी मैंने थोड़े से जो मीठा नीम होता है ना, मीठे नीम के भी इसमें पत्ते पड़े थे तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर इसमें मैं यहाँ पर ना 2 चम्मच के करीब बेसन भी ऐड कर रही हूँ। आप लोग चाहो तो सिर्फ बेसन के साथ बना सकते हो, दही को स्किप कर देना, उससे भी थोड़ी कुरकुरी टाइप की बन जाएगी आपकी सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने दही ऐड किया है। अब ये आप देखिए, जो मिर्ची थी ना वो अच्छे से पक चुकी थी, तो अब जो ये दही वाला बैटर है इसको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और बस हम लोगों को इसको क्या करना है, एकदम हाई फ्लेम पर आप लोगों को इसको पकाना है। हाई फ्लेम कर दिया मैंने और इसको लगातार चला रही हूँ। यहाँ पर मैं जो ये बैटर है उसको अच्छे से हम लोगों को पकाना है। फिर यहाँ मैंने, आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है। जो बाउल में थोड़ा बैटर था उसी में थोड़ा सा पानी डाल करके मैंने इसमें ऐड कर दिया। अभी हम लोग को इसको हाई फ्लेम पर ऐसे ही पकाना है, लगातार चलाते हो तो आप लोग देखो कि थोड़े टाइम बाद ना ये इस तरीके से गाढ़ी होने लग जाएगी। फिर इसमें हम लोग ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, क्योंकि मैंने पहले 1/2 टेबल स्पून डाला था, अभी भी थोड़ा सा मैं ऐड कर देती हूँ। 1/2 टेबल स्पून से कम ही ऐड किया है मैंने। और बस इसमें मैंने थोड़ी सी 1-2 चम्मच के करीब केचप ऐड कर लिया, क्योंकि गाइस इसमें ना थोड़ा सा तीखापन रहता है और मैंने लाल मिर्च और इसमें मसाले ऐड करे हैं तो ये थोड़ा तीखा रहेगा तो फ्लेवर इन्हेंस करेगी। बस और कुछ इसमें ऐड नहीं करना है। आप लोग चाहो तो ऊपर से थोड़ा सा घी ऐड कर लेना। और बस रेडी हो चुकी है अपनी तीखी मसालेदार मिर्ची की सब्जी। सर्व कीजिए इसको पराठे के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना विद बेल आइकन, ताकि आप लोगों को मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।